नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन का क्या कॉज है, क्या सोर्स है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, ये सब जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ेगी। जैसे ये जो अंदर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ये आप डब्बे से देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है ना एटम का, ये सबसे हेवी होता है, क्योंकि इसमें होते हैं प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स। और इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये इस डिब्बे में आप देख रहे हैं जो येलो कलर के हैं, इनको न्यूट्रॉन बताया गया, और जो रेड कलर के प्रोटॉन। एज सच तो इनका कोई कलर नहीं होता, पर आपको बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, तो इसके लिए ये कलर्ड प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है आपको। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है ना, जो न्यूक्लियस के बाहर का, ये फिक्स्ड पाथ बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये भी एटम के पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, और ये होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर पोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं ना, न्यूक्लियर पोल्यूशन मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड हुए है कोई चीज ये, ठीक है। एक टर्म आती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस की ब्रेकेज, यानी न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, या फिर दो न्यूक्लियस जुड़ के फिर एक न्यूक्लियस बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। अगर न्यूक्लियस टूट के दो बन जाए तो फिशन बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। तो रेडियो एक्टिविटी में यही करवाया जाता है, न्यूक्लियस को अनस्टेबल किया जाता है, इतना अनस्टेबल किया जाता है कि वो टूट ही जाए, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत सारी रेडिएशंस इमिट होती हैं और सबएटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी एक टूट के दो बन जाएंगे तो सबएटॉमिक पार्टिकल अलग अलग हो गए, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं इस प्रोसेस को, न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन को, यानी इसके टूटने को या उसके जुटने को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। और ये होती क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस काफी अनस्टेबल हो जाता है, इसकी इनस्टेबिलिटी की वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी के क्या फायदे हैं, जब ये रेडिएशन इमिट होती है, इन रेडिएशन का क्या काम है, किस लिए रेडिएशन इमिट कराई जाती है, इतने बड़े बड़े पावर प्लांट क्यों लगाए गए हैं, इसलिए क्योंकि जो रेडिएशन होती है ये स्मोक डिटेक्टर्स का काम करती है घरों में। दूसरा, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के काम आती है, यानी उनके ऊपर जितने भी कीटाणु हैं उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नंबर तीन, ये बहुत सारी बीमारियां जो डायग्नोज करने के काम आते हैं, जैसे एक्सरेज वगैरह करते हैं हम, तो शरीर के कोई भी कुछ भी डिसऑर्डर हो हमें पता चल जाता है। और बहुत सारी जो डिजीजेस है जैसे कैंसर वगैरह, वो सब ट्रीट करने के भी काम आती है रेडिएशन। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, क्योंकि काफी चीप सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, ये क्लीन फ्यूल होता है ये, और इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है इतने कम एफर्ट से। और दुनिया में कम से कम भी 17% यानी 17% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो रेडियो एक्टिविटी से ही प्रोड्यूस की जाती है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरफ, ये वाला, ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है आपको कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैसा होता है, और काफी हवाओं में ये जो पोल्यूशन है फैल जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इस तरफ ये है न्यूक्लियर प्लांट्स, और ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो आग से आप देख रहे हैं। अब न्यूक्लियर पोल्यूशन जिसकी वजह से होती है वो है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर रेडिएशन खुद जिस काम के लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है उससे, उसका तो कोई हार्म नहीं है सच, पर जो इसका वेस्ट जो पीछे रह जाता है ना उसका बहुत हार्म है, ठीक है। और ये जो वेस्ट है ये तीन तरह के वेस्ट होते हैं, एक लो, वेरी लो लेवल वेस्ट होता है, एक इंटरमीडिएट और एक हाई लेवल वेस्ट होता है। जो लो लेवल वेस्ट होता है ये, इसको बहुत कम एक्सपोजर मिला होता है रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, ये हार्म बहुत कम हार्मफुल होता है ये। जैसे जो रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं
रेडियोएक्टिविटी के लिए, तो वो जो चीज वो या जो प्रोजेक्ट को डिमोलिश करना होता है, गिराना होता है उस प्रोजेक्ट को, उस वक्त ये जो चीजें हैं ये वहां से प्रोड्यूस होती है, जैसे कंक्रीट, प्लास्टर हो गया, ब्रिक्स होती हैं वहां की, उस आसपास के जो भी चीजें हैं उस एरिया की, वो सारी ही जो भी एक्सपोज हुई हैं वो सारी न्यूक्लियर वेस्ट की कैटेगरी में आती है। ये पाइपिंग होती है, वेल, ये सब। और लो लेवल वेस्ट जो होते हैं ये हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज से भी निकलते हैं। आप बोलेंगे हॉस्पिटल में इसका क्या काम है, तो हॉस्पिटल में तो रेडिएशन का काम होता ही है ना, एक्सरेज करते हैं, बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, वो सब इन्हीं रेडिएशन से किए जाते हैं। तो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो भी लो लेवल वेस्ट माना जाता है, जैसे हॉस्पिटल का पेपर, रैग्स, टूल्स होते हैं, क्लोथ्स, कॉटन, फिल्टर्स, क्योंकि हॉस्पिटल में काफी सारे पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी से ठीक किया जाता है। जो भी चीजें उस वक्त उस एक्सपोजर में आती हैं वो सारी न्यूक्लियर वेस्ट की कैटेगरी में मानी जाती हैं। ये शॉर्ट लिव्ड रेडियोएक्टिविटी के एक्सपोजर में आते हैं, और इनको पहले ही बर्बाद पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या बर्न कर लिया जाता है डिस्पोजल से पहले, कहीं पे भी फेंकने से पहले इनको खत्म कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। जो इंटरमीडिएट है ये थोड़े से ज्यादा खतरनाक है, हाई लेवल रेडियो एक्टिविटी कंटेन करते हैं, और इनको जमीन के अंदर दबा देना ही ठीक होता है। ऊपर रखेंगे तो कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट इनके देखने को जल्दी जल्दी मिल ही जाएंगे। दे कंटेन स्लजेस, मेटल फ्यूल और रेसिन्स, ये केमिकल्स ही कंटेन करते हैं। नॉन सॉलिड्स आर समटाइम्स कन्वर्टेड टू बिटुमिन, बिटुमिन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कुछ नॉन सॉलिड्स। बिटुमिन एक कोयले की फॉर्म है, डिस्पोजल के लिए इसको बिटुमिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले जो हाई लेवल है वो खुद ही यूरेनियम है, यूरेनियम हाई लेवल वेस्ट इमर्जिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ यूरेनियम फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम फ्यूल के बर्न होने से ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ये जो वेस्ट है ये हाईली रेडियोएक्टिव है और बहुत ही हॉट होता है, और ये डिस्पोजल से पहले ठंडा कर दिया जाना चाहिए। इट रिक्वायर कूलिंग एंड शील्डिंग, शील्डिंग मतलब इसको बचाया जाना चाहिए किसी और चीज के कॉन्टेक्ट में आने से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। जो यूके है, रशिया है, और जो यूके, रशिया और फ्रांस, ये जो है ये मेजर रीप्रोसेसिंग प्लांट्स हैं इनके पास। रीप्रोसेसिंग प्लांट्स मतलब जो ये न्यूक्लियर वेस्ट है इस वेस्ट को रीप्रोसेस करने के लिए इनके पास मशीनरी है, और उसकी कैपेसिटी है 5,000 टन पर ईयर। इतना वेस्ट ये रीप्रोसेस करते हैं। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन या न्यूक्लियर पोल्यूशन भी बोलते हैं इसको। ये स्पेशल फॉर्म है पोल्यूशन की, क्योंकि जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ना धरती पे, जैसे पानी, हवा और मिट्टी, ये इन तीनों को इक्वली हार्म करता है, इनकी क्वालिटी एकदम से डिग्रेड कर देता है। और सबसे डेडली अगर कोई पोल्यूशन है ना तो वो न्यूक्लियर पोल्यूशन है, इसलिए इसको सेपरेटली डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ अलग स्लाइड बना के। बाकी पोल्यूशन के साथ इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही, इसके इफेक्ट्स भी बाकी पोल्यूशन से काफी डिफरेंट है। जो इमीडिएट और क्लोजेस्ट इफेक्ट जो क्लोजेस्ट इफेक्ट है इसका वो ये है कि इससे रेडिएशन सिकनेस हो जाती है। रेडिएशन सिकनेस बोलते हैं इसको, अगर कोई इमीडिएट एक्सपोजर में आ जाए रेडिएशन के स्मॉल डोजेज में, यानी 75 से लेके 200 रैम, इसकी जो क्वांटिटी को बोलते हैं इसकी, अगर 75 to 200 रैम से बहुत ही स्मॉल डोजेज में अगर कोई एक्सपोजर में आता है तो वन एक्सपीरियंस इज वॉमिटिंग, फटीग, वॉमिटिंग होती है उल्टी आना, और फटीग होती है थकावट बहुत ज्यादा, और लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का खत्म हो जाना। भूख खत्म हो जाती है, थकावट ज्यादा होती है, और वॉमिटिंग आती है अगर कम कम बहुत कम एक्सपोजर मिला हो अगर इसका, और अगर इसका थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर मिला हो जैसे 300 रिम्स और या ज्यादा का, तो ब्लड सेल्स में चेंजेस आना शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। 600 रन से ऊपर अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाए तो इंसानों के बाल झड़ जाते हैं,
इम्यूनिटी कम हो जाती है और रिजल्टिंग इन डेथ इन फ्यू डेज और वीक्स, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर डेथ हो जाती है ऐसे पर्सन की या ऐसे एनिमल्स की जो 600 ग्राम्स की एक्सपोजर में आ जाते हैं. रेडिएशन कॉजेज चेंजेस इन सेल, सेल्स के अंदर चेंजेस कर देती है, जीन स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं जिसको म्यूटेशन बोलते हैं. बोन मेरो, स्किन, इंटेस्टाइन, लिम्फोइड टिश्यू और एम्ब्रियो वगैरह में सेल्स जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिड मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको, और इससे कैंसर तक हो सकते हैं. दोज एक्सपोज्ड फ्रॉम डिस्टेंस मे नॉट शो एनी इमीडिएट सिम्टम, जो काफी दूर से एक्सपोज हुए हैं रेडिएशन से, हो सकता है कि इमीडिएट सिम्टम ना शो करे वो, बट उनके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के कैंसर होने की संभावना रहती है और उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम होने की भी संभावना होती है. उनका लाइफ स्पैन मान लो उन्हें 60 या 70 साल जीना था, वो 50 या 40 साल ही जिएंगे. रेडिएशन ऑल्सो कॉजेज सेल म्यूटेशन, मान लो आज एक पर्सन में जीन म्यूटेशन हो गई, उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे, वो भी डिफॉर्म पैदा होंगे, वो डिफॉर्मिटीज आगे दूसरी जनरेशन तक भी जा सकती. फिटस आर इफेक्टेड विद बर्थ डिफेक्ट एंड कैंसर, जो बच्चे अभी फिटल स्टेट में है यानी अपनी माँ की कोख में है, उनके अंदर भी काफी सारे बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं और कैंसर बन सकता है. दे मे ऑल्सो हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, उनका भी लाइफ स्पैन कम हो सकता है. प्लांट्स मर जाते हैं. सम शो जेनेटिक चेंजेस, कुछ प्लांट्स जेनेटिक चेंजेस दिखाते हैं और स्टंट ग्रोथ, कुछ प्लांट्स की तो हाइट ही नहीं बढ़ती. एनिमल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड एंड डू नॉट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग, और ज्यादा देर तक ये भी नहीं जी पाते. रेडिएशन इन द एटमोसफेयर विल नॉट डिसिपेट क्विकली, तो ये रेडिएशन एटमोसफेयर में अगर चली जाए तो ये जल्दी जल्दी वहां से खत्म नहीं होती, और उस एरिया में जो वाटर सोर्स होगा वो भी इफेक्टेड हो जाएगा. बहुत सेंचुरीज लग जाती हैं ऐसे पॉइंट तक पहुंचने में कि जब वो जो स्पेस है वो हैबिटेबल रहने के लायक बन जाए. एग्जाम्पल है हिरोशिमा और नागासाकी पे जब यूएसए ने 1945 में एटम बॉम्ब गिराए थे, वो अभी भी हैबिटेबल नहीं, रहने के लायक नहीं है. और उस एरिया के आसपास जो जो लोग रहते हैं उनमें कई सारे किस्म की डिफॉर्मिटीज हो चुकी है, डिफॉर्म पैदा होते हैं लोग. उन एरियाज को ही छोड़ दिया है, जो जो लोग आसपास भी रहते थे वो वहां से भी भाग चुके हैं. एन एवरेज पर्सन विल बी एक्सपोज टू अबाउट 180 मिली रेम ऑफ रेडिएशन इन अ ईयर फ्रॉम एक्सपोजर टू नेचुरल रेडिएशन, मेडिकल एंड डेंटल एक्सरेज, कलर टीवी, एयरपोर्ट बैगेज, एक्सरेज. एक एवरेज जो पर्सन है ना, इसको रेडिएशन से कितना एक्सपोजर होगा इसका हिसाब करे. 180 मिली रेम रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाता है एक एवरेज इंसान को, एक नेचुरल रेडिएशन के साथ या मेडिकल और डेंटल एक्सरे जब कराते हैं इंसान उनसे, या कलर टीवी से, एयरपोर्ट बैगेज होती है जो उससे. ये चीजें तो हम नॉर्मली करवाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि इनका नुकसान भी होता है, जितना इनका फायदा है उतना नुकसान भी है. एक चीज प्रिवेंशन, इसको क्या तरीका हो सकता है कोई इससे बचने का. रेडियोएक्टिव वेस्ट जो होते हैं ये एक्चुअली रिसाइकलेबल होते हैं, रीप्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए इनके लिए बनाई हुई, वो बहुत हद तक रिसाइकल किया जा सकता है बिकॉज यूजेबल फ्यूल इज स्टिल बीइंग क्रिएटेड इन द वेस्टेड मटेरियल विच कैन देन बी रीप्रोसेस्ड, इसको रीप्रोसेस किया जा सकता है और करना भी चाहिए. गवर्नमेंट्स आर ऑथराइजिंग रिसर्च एंड डेवलपिंग बेटर मीन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट, गवर्नमेंट्स काफी रिसर्च कर रहे हैं रेडियोएक्टिव वेस्ट के बेटर डिस्पोजल के लिए, क्या क्या तरीके होंगे इसके लिए. द मोस्ट फीजिबल मेथड नाउ अपीयर्स टू बी डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट, कहीं डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज जो है वही फीजिबल है. पावर प्लांट मस्ट इंश्योर दैट रेडियोएक्टिविटी फ्यूल वेस्ट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्पोज्ड इन सेफ कंटेनर्स विच आर लॉन्ग लास्टिंग एंड अनब्रेकेबल. जो पावर प्लांट्स हैं उन्होंने इंश्योर करना चाहिए कि जो रेडियोएक्टिव वेस्ट हैं इनको ट्रांसपोर्ट एक अनब्रेकेबल या लॉन्ग लास्टिंग कंटेनर में किया जाए और इनको डिस्पोज भी ऐसे ही कंटेनर्स में किया जाए जो अनब्रेकेबल हो,
governing agencies need to make sure that radioactive materials does not fall into wrong hands. Government agencies ने ये भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि radioactive material जो है एक कोई गलत हाथों में ना चला जाए, जो कि सिर्फ profit के लिए इन radioactive materials को ऐसे लोगों को ना बेच दे जो कि वॉर मॉन्गरिंग के बिजनेस में लगे हुए हैं, जो झगड़ा झगड़ा खेल रहे हैं, जिनको बॉम्ब बनाने हैं, ऐसे लोगों को ना बेच दे कोई इंसान। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज को। अब कुछ एमसीक्यूज हैं। इनमें से कहां पे डेडली बॉम्ब गिराए गए थे जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी? कराची, मेलबोर्न एंड सिडनी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, टोक्यो। ये डिफरेंट क्वेश्चन है इसके आगे, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, आपने इसका आंसर देना है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन कॉज्ड बाय हाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन? इनमें से कौन सी मेडिकल कंडीशन हो सकती है रेडिएशन की एक्सपोजर से? किडनी स्टोन, एड्स, म्यूटेशन, ब्लड प्रेशर। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी का मेन पर्पज है क्या? ये बनाई क्यों जाती है? टू किल एनिमी नेशन, एनिमी नेशन को मारने के लिए। टू वेस्ट एक्सेसिव एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी वहां से जनरेट करके उसको वेस्ट कर देना, इसके लिए। टू यूज इट एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने के लिए। या फिर टू कॉज म्यूटेशन फॉर पीपल हु आर वर्किंग, या उन लोगों में जीन म्यूटेशन कर देनी जो काम कर रहे हैं, उनके जीन को खराब कर देना जो वहां पे काम कर रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को बनाया जाता है क्या? ये भी आपने आंसर करना कमेंट बॉक्स में। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर पावर? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी परसेंटेज, कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर पावर से पूरी दुनिया में? और विच इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन? न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने का मेन सोर्स है क्या इनमें से? न्यूक्लियर पावर प्लांट, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक एयर या वॉल्केनोस? ये आंसर भी आपने खुद देना है कमेंट बॉक्स में। और जिसको ये आंसर नहीं आते वो बता दीजिएगा कि हमें नहीं आते, तो आपके लिए आंसर मैं खुद देख दूंगी कमेंट बॉक्स। धन्यवाद।